सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी 72 लाख लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा, ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा भी 4 मुख्य घोषणा की है जो आज हम जानेंगे। और जो ऑटो टैक्सी चालक है, उन लोगों को पैसे कब से मिलने वाले हैं, इन लोगों ने 2020 में आवेदन नहीं कर पाए थे, पैसे नहीं मिले थे, उन लोगों को आवेदन कब से करना है, उसका लिंक कब से अपडेट होने वाला है, जिन लोगों को फ्री राशन मिलने वाले हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, फुल डिटेल्स में बात करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरअसल दिल्ली में कोरोना के तहत काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था, इसी के देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 मई 2021 को 2 मुख्य घोषणा की थी। 72 लाख लोगों के फ्री राशन दिए जाएंगे जिन लोगों के पास राशन कार्ड है। इसके बाद ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक 72 लाख लोगों को राशन भी फ्री नहीं दिया गया है, कई जगह राशन देना स्टार्ट हो गया है, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे राशन दिया जा रहा है। लेकिन फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक न्यू घोषणा की है, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 2 महीने के लिए फ्री राशन दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो कैसे करना है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, मैं लास्ट में बता दूंगा। इससे पहले हम जानते हैं ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये जो मिलने वाले थे वो कैसे मिलेंगे और कब तक मिलेंगे। दरअसल बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उन्होंने बताया इसी लॉकडाउन के अंदर लोगों को अकाउंट में 5,000 रुपये मिल जाएंगे। जिन लोगों को पिछले साल यानी कि 2020 में मिले थे उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में पुराने डाटा के बेस पर उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएंगे। लेकिन जिन व्यक्ति को 2020 में अप्लाई किया था लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2020 में अप्लाई ही नहीं कर पाए थे, तो ये लोग 25 तारीख को यानी कि 25 मई को अप्लाई कर सकते हैं। transport.delhi.gov.in पे लिंक को अपडेट किया जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो मैं आपको बता दूँ 100% transport.delhi.gov.in पे 25 मई को अपडेट ही किया जाएगा, क्योंकि मैंने हेल्पलाइन नंबर से बात किया तो वहाँ पे बताया गया कि 25 तारीख तक transport.delhi.gov.in पे लिंक को अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 मुख्य घोषणा की थी। नंबर 1, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी फ्री राशन दिया जाएगा। नंबर 2, जिन लोगों को कोरोना से मौत हो गया है उन्हें 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। और जिन बच्चे का माता पिता कोरोना के कारण गुजर गए हैं उन्हें 2500 का महीना और 25 साल तक उन्हें फ्री पढ़ाई किया जाएगा। इस तरह से 4 ऐसे अपडेट हैं जो फिर से दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने फ्री में राशन देने का घोषणा की थी। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और देखते हैं अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो फाइनली आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है delhi.gov.in। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अप्लाई फॉर टेम्पररी राशन कूपन। सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हम देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन पे OTP आया है या नहीं आया। तो देख सकते हैं मैंने मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं OTP नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम रिसेंट OTP पे क्लिक करते हैं तो भी हमारे मोबाइल फ़ोन पे OTP नहीं आता है। दरअसल जैसा कि आपने देख लिया, जब भी हम टेम्परेरी राशन कार्ड के लिए हमें अप्लाई कर रहे हैं हमारे मोबाइल फ़ोन पे OTP नहीं आ रहा है और इनसे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे आपके OTP क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएंगे। ना आने के कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि OTP क्यों नहीं आ रहा है। नंबर 1, फिलहाल में इस साइट को बंद कर दिया गया है, इसकी वजह से इस पर जब भी हम मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे OTP जब तक इस साइट को अपडेट नहीं किया जाता है OTP नहीं आएंगे। दिल्ली के CM ने बोले हैं अगले 2 से 3 दिन में इस नियम को लागू किया जाएगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी फ्री राशन दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन में इस साइट को अपडेट किया जाए।
और काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ओटीपी को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। आप लोगों को पता होगा जिसके पास 2020 में राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी राशन दिया गया था, लेकिन ई कूपन के माध्यम से उन्हें राशन कार्ड जब दिया गया था स्कूल में दिया गया था, तो ये भी एक रीज़न है। फिलहाल में स्कूल में COVID-19 का वैक्सीन का सेंटर ओपन है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी लेट लग सकता है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन मिलने में, जब तक कि ओटीपी का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि आप वहीं से भी आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से delhi.gov.in पे हम विजिट करते हैं और कूपन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं हो रहा है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।